नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम सच की तह तक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से। नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद साम जफर, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। आज हम पडरौना जनपद क्षेत्र के जंगल बिलवा में मौजूद हैं, क्योंकि मेरे पीछे जो देखते होंगे मदरसा एहतसामुल जामिया है, जो त्रिमंजिला बिल्डिंग दिखाई देता होगा। इसी आज हम प्राचार्य से खास मुलाकात में चर्चा होगी कि जो लॉकडाउन बाद जो मदरसे खुले हैं, स्कूलें कॉलेज खुले हैं, क्या प्रभाव पड़ा लॉकडाउन से, और गवर्नमेंट द्वारा सरकार द्वारा क्या क्या सुविधा मिलती है मदरसे में। हम डायरेक्ट मदरसा वकील अहमद पंचार वकील अहमदारी से जानना चाहेंगे और क्या क्या सुविधा मिलती है, और साथ साथ जो सन टीचर हैं उनको सैलरी हर माह आती है कि नहीं आती है। इस प्रकरण में आज हम जनाब वकील अहमदारी पदाचार्य के ऑफिस में चलते हैं और डायरेक्ट उन्हीं से पूछते हैं क्या क्या इनके मदरसे में कितने बच्चे हैं और क्या क्या सुविधा मिलती है। इस वक्त हम मदरसा एहतसामुल जामिया के ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ प्राचार्य मदरसा एहतसामुल जामिया के भी मौजूद हैं और उनसे मैं आज बातचीत करेंगे लॉकडाउन बाद कितना इनको दिक्कतें झेलनी पड़ी और सरकार द्वारा क्या क्या सुविधा मिलती है मदरसे में, कितने बच्चे हैं। हम वक्त में लेते हुए डायरेक्ट मैं मदरसा एहतसामुल जामिया के प्राचार्य वकील अहमद लारिस ही विषय में चर्चा करेंगे। आइए हम डायरेक्ट उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से ही पूछते हैं क्या क्या उनको समस्या झेलनी पड़ी। सर आपका नाम? मेरा नाम वकील अहमद लारी है। जी सर, आप हमारे हंगामा टाइम न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो कोरोना काल हुआ, जो स्कूलें खुली है, स्कूलें कॉलेज है मदर से, सर इसमें कोरोना के पहले कोरोना के बाद क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी मदरसे में, सर इस दर्शकों को हमारा बताना चाहेंगे, सरकार तेरा क्या संदेश देना चाहेंगे। कोरोना से पहले अल्लाह का शुक्र रहा कि वक्त अच्छे से गुजर रहे थे और साइंसिस्टों का, विज्ञान अध्यापकों का आधुनिकरण योजना के अंतर्गत उनका तनख्वाह भी आता रहा और बच्चे अच्छे खासे रहे, यानी लगभग 300 लगभग बच्चे रहे। और कोरोना जब हुआ उसके बाद जो है लगभग दो वर्ष विद्यालय बंद करना पड़ा। इसमें बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ी। बच्चे घर घर कैद हो गए, पढ़ने से वंचित रह गए, उनको भी दिक्कतें आई और मदरसे को भी बहुत बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी। अब इधर जो है मदरसा जब से खुला है इसमें मदरसे को बहुत नुकसान हुआ और आज भी हम मदरसे से जो है नुकसान उठा रहे हैं। बहुत से बच्चे हमारे यहाँ फ्री पढ़ते थे और फ्री तालीम दी जाती थी और आज जो है बहुत कम ही कली ही तरह वो फीस लेकर के ही, थोड़ा सा फीस लेकर के पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका उत्थान, इसका प्रोग्रेस रुक गया। और आज जो है साइंस टीचरों का हाल यह है, विज्ञान अध्यापकों का ये हाल है कि उनकी तनख्वाहें 40 माह से रुका हुआ है। केंद्रांश और राज्यांश थोड़ा सा मिलता है जिससे चाय पानी का सिर्फ हो पाता है। ये जो है हमारे टीचर बहुत परेशान हैं और वक्त से आते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उनको सैलरी नहीं मिलती है। अफसोस है ये इस बात की कि उनको जो है तमाम दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। सर ये जो आधुनिकरण जो स्कीम है ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये लागू किया गया था, तो वाजपेयी के द्वारा लागू किया, वाजपेयी सरकार में सर समय से नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से ही जो है आधुनिकरण योजना के अंतर्गत जो है टीचर रखे गए और इनकी तनख्वाह वहीं से जारी हुई। उस पहले से ही ये चला आ रहा है स्कीम और उन्हीं के जमाने से चला आ रहा है। आज भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही मुखिया थे, प्रधानमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और आज जो है भाजपा सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। अब वजह या कारण अब सरकार ही जाने, लेकिन हमारे टीचर बहुत परेशान हैं और हर मदरसे में परेशानी है कि आज उन पर क्या जो टीचर रुकी है मदरसे को पदाचार्य और टीचर के द्वारा क्या मांग नहीं की गई है, क्या कोई? हाँ, इसके आधुनिकरण योजना के अंतर्गत इसके इनके जो है एक कमेटी गठित है जो बराबर मांग करते रहते हैं, लखनऊ जाकर के धरना प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आश्वासन मिलता है मिलेगा, लेकिन अब तक जो है इसको पेमेंट नहीं दिया गया। सर मदरसा एहतसामुल में कितने टीचर हैं, विज्ञापन अध्यापक?
विज्ञान अध्यापक 3 अन्य है, कितना है? अन्य जो है 15 हैं और 15 पढ़ाते हैं लेकिन उनका जो है तनख्वाह नहीं मिलता है, सेवा कर रहे हैं, आशा उम्मीद पर चलना है। कितने बच्चे सर इस मदरसे में? मदरसे में फिलहाल अब 250 लोग बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे हमारे कम हो गए हैं। क्या सब फीस ली जाती है मदरसे में? मदरसे में हम लोग जो बुक भी देते हैं और हम अपने तरफ से विद्यालय की तरफ से जो है बुक दिया जाता है, और कभी कभी इस योजना में इस वक्त फलाप हैं यानी हमारी हालात कमजोर हो गए तो इसलिए इस वक्त हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम देते रहे। सर ये जो जो साइंस टीचर वाले जो हैं आते हैं पढ़ाते हैं लोग, फिर इन कास्ट मान लीजिए पढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट द्वारा तक मिलती है, तो उन लोगों को केंद्रों द्वारा कितना मिलता है और राज्य द्वारा कितना मिलता है, कौन रुका है कौन मिल जाता है? हाँ, केंद्र द्वारा रुका हुआ है वो 40 महीने का अब तक रुका हुआ है, केंद्र से 12,000 वो उनको मिलता है मानदेय, और राज्य सरकार से हमारे टीचरों को यानी एमए है एमए बीएड है तो उनको जो है 3,000 राज्य सरकार देती है, टोटल 15,000 मंथली। 15,000 कौन सा बाकी है, राज्य वाला बाकी है केंद्र बाकी है? केंद्र का बाकी है, केंद्र का अभी तक 40-40। क्या कोई आश्वासन? आश्वासन सरकार देती है कि हाँ मिल जाएगा, जल्दी कर देंगे, लेकिन अभी तक मिला नहीं। सर ये बताइए सर, ये जो भाजपा सरकार इस वक्त है, इसके पहले अखिलेश सरकार थी, तो उसमें क्या क्या मदरसों में सुविधा दी जाती है और भाजपा सरकार के आने बाद और बेहतर सुविधा दी जाती है मदरसों में कि नहीं दी जाती? नहीं, अखिलेश सरकार में बेहतर सुविधा दी जा रही थी, और उस वक्त जो है लैपटॉप वगैरह भी बांटा जाता था बच्चों को मिसाल के लिए, ताकि ये मुस्लिम बच्चे भी आगे बढ़े। लैपटॉप तो सर ये भाजपा सरकार भी बांटा जा रही है, कॉलेजों में लैपटॉप दिया जा रहा है, अब योजना बनाई है भाजपा सरकार। तो सर ये मदरसा में अन्य मदरसे में भी क्या क्या सुविधा मदरसों में मिलती है सरकार? हाँ, सरकार द्वारा जो है सरकारी मदरसे है उनको जो है कपड़ा ड्रेस वगैरह और खाना पीना दिया जाता है, और भी सारी सुविधाएं हैं जो सरकार से। जो प्राइवेट मदरसे हैं उनमें क्या? प्राइवेट मदरसों को जो है कुछ नई सुविधा इस वक्त, पहले जो है सरकार कुछ देती थी यानी फ्री होल्ड जो है वो बुक वगैरह भी देती थी और अलमारी वगैरह भी जो है वितरण हुआ था और उसमें साइंस किट वगैरह भी दिया गया था, लेकिन इस वक्त जो है कोई सुविधा नहीं है। तो हमारे चैनल माध्यम से क्या सरकार को मांग, सरकार से वो सरकार आ जाती है भाजपा चाहे किसी कोई भी सरकार आती है तो मदरसों में क्या सुविधा दिया जाए, आप क्या मांग करना चाहेंगे? मैं ये मांग करना चाहूँगा कि इस तरह से सरकारी मदरसे हैं सुविधाएं दी जाती है, या संस्कृत विद्यालयों में जो सुविधाएं दी जाती हैं वो हमारे प्राइवेट मदरसों में सुविधाएं दी जाए और उनको जो है जो बच्चों को प्रोत्साहन किया जाए ताकि वो आगे बढ़े और उनको जो है ड्रेस वगैरह और जो सुविधाएं मिलती है और घर को वो हमको मिले। सर ये आप मदरसा जो है कितने रूम है इसमें? हमारे यहाँ मदरसा इस वक्त 15 रूम है जिसमें पक्का मकान 12 और 3 अभी कट रहे हैं। 15 बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे मदरसा एहसानुल जामिया के प्राचार्य वकील अहमद लारी जी, क्योंकि इन्होंने भी सारी अपने जुबिन में सवाल के आदम अच्छे से जवाब दिए, और इनका ये भी कहना है कि सरकार द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है, आई सुविधा जिस तरह सरकारी विद्यालयों में दी है, संस्कृत विद्यालयों में दी है, उसे प्राइवेटों में भी प्राइवेट मदरसों में भी दिया जाए। इसी के साथ आप देखते रहे हंगामा टाइम।